बार चल दुनिया नहीं ये बबल। ले भाई जराबों की जोड़ी के बदले ना ये फ्राइंग पैन दे दे मुझे। अरे क्या बात कर रही हो अम्मा, ये फटी हुई बदबूदार जराबों के बदले फ्राइंग पैन नहीं दूंगा मैं। हाँ? अच्छा अच्छा ले ले, इसके बदले दे दे। ये देखो बाजी, ये साड़ी मैडम नूर जहां की है, ये पहन के उन्होंने बड़े बड़े हिट गाने गाए। इसमें तो मैं बड़ी हसीन लगूंगी, ला दे दे मुझे 200-300 में। अरे बाजी इसमें से अभी तक मैडम की खुशबू आ रही है, 2000 से कम नहीं दूंगा मैं। चल मैं 250 कर लूंगी कहीं से। ओए ये हार देख किड्डा चंगा है, ये कितने में देगा? अरे ये हार तो शहजादा सलीम ने अनारकली को दिया था। और वो तो फिल्म में दिया था। अरे बाजी असल में भी थे, ये हार शहजादा सलीम ने शाही हजाने से चुरा कर अनारकली को पहनाया था, अब दीवार में चुने जाने से पहले। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे बाजी अब हर चीज फिल्म में थोड़ी ना दिखाएंगे, लेना है तो लो वरना मैं नहीं दे रहा। ले लूंगी पर 100 मेरे पास है, 200 अंदर से ले आऊंगी, 300 में दे दे बस फाइनल। अरे बाजी अनारकली होती तो अपने हार की इतनी बेकदरी देख कर दोबारा से इंतकाल कर जाती। अरे छोड़ो बाजी ये चिराग देखो, ये चिराग मुगल दौर का है, 800 में दूंगा आपको। ना तू ये ऐसे ही बेच दे, मेरे पास तो 100 रुपये हैं सिर्फ। मेरे कॉल भी 100 ही रुपये हैं बस। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, 100-100 मुझे दो और ये चिराग आपका। ओए ओए वापस कर, और तो कुछ नहीं लिया हमने, ये मेरे मियाँ की इतनी मेहनत की लिखाई है, ऐसी मैं बेचने आ गई थी। कितने चली है इस चिराग के? अद्धे पैसे मैंने दिए, इधर कर। अद्धे मैंने भी तो दिए, मैं इसे ऊपर लेकर ही जाऊंगी। ओए सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना खराब करी, मैं कह रही हूँ सीधे तेरा चिराग मुझे दे दे। क्यों दे दूं, इसके बदले तो पूरे 1,00,000 दिए हैं मैंने। वो 1,00,000 नहीं दिया, वो 1,00,000 नहीं दिया, 100 दिया है। चल इधर ला चिराग। नहीं मैंने नहीं देना वरना लड़ाई हो जानी है तेरे साथ मेरी। इधर कर लिया, दे मेरा चिराग। नहीं मैं नहीं देना, मेरा चिराग है। ओए मेरा चिराग है, मैं तुझे कह रही हूं छोड़ दे। और तूने मेरा चिराग सटा। कितना शोर करती हो तुम दोनों औरतें। उशे ये तो चढ़ेल है। माना कि इतने साल चिराग में रहने की वजह से ग्रूमिंग नहीं करवा सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चुड़ैली कह दो। अरे पागल है जी, मुझे पता है तुसी जिन्न हो जो सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं सारियों की। मैं सिर्फ अपनी मालिक की ख्वाहिशात पूरी करता हूँ, तुम दोनों में से मेरा मालिक कौन है? मैं हूँ तेरी मालकन, ये तो सिर्फ इस घर की मालकन है। जो हुक्म मेरी मालकन हो। सबर है सबर, मेरा मतलब है सबर, मैं हूँ मालकन, चिराग मैंने खरीदा था जी। ओए आधे पैसे मेरे भी थे झूठी। अरे भाई मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से चिराग रगड़ा किसने था? मैंने। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की 3-3 ख्वाहिशात पूरी करूंगा, लड़ना बंद करो, जब भी मुझे बुलाना हो 2 तालियां बजाना। ओहो अभी नहीं, जाने तो दो, जाऊंगा तो आऊंगा ना। चलो आंखें बंद करो, मैंने गायब होना है। ओए सच्ची मुझे गायब हो गया। मैंने अपने मियां को बता के आती हूं कि मेरे हाथ जिन लग गया। चेची चेची मुस्तकीम मसूद। यार महमूद साहब आपके पास वो 75 रुपए वाला नोट है कोई? यार नबील तुम हर वक्त उससे पैसे ही मांग रहे हो, मैं कोई दरख्त हूँ जिसमें पैसे लटके होते हैं? इश्फाक इश्फाक वो आ गया, इश्फाक अब बड़ा मजा आएगा। कौन वो माँ जी? वही जिसका बड़ा सारा खौफनाक सा मुंह होता है ना। महमूद साहब, अरे माँ जी वो तो कब से यहाँ पड़े हुए हैं सोफे पे। नबील जुबान संभाल के बात करो ना। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो मोमबत्ती में से निकलता है ना। धुआं? अरे धुएं में से तो ये कब का निकल चुका। ओहो वो जो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। जिन 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 जिन। ओ माँ जी कोई जिन विन नहीं होता यार, आपने महमूद साहब जैसी शक्ल वाला कोई आदमी देखा होगा। तुझे मेरी बात में वो नहीं ना हो रहा तो फिर ये दे। मेरी माल के। अरे ये तो सचमुच का जिन है नबी। देखो जिन जिन मैं ना तुम्हारी मालकन का शौर हूँ। तुम मेरा एक काम करो, मेरा हुक्म बजा लाओ, अभी के अभी मुझे 2 करोड़ रुपए कैश चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम ना सोना चांदी और कुछ नायाब हीरे ला दो। वैसे डायमंड की ज्वेलरी तो मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश, मैं तुम तीनों में से किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी मालकन की ख्वाहिश पूरी करूंगा, इसलिए ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, वो जिन सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानेगा भाई।
अच्छा ही काम करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने उससे क्या क्या ख्वाहिश करनी है। खबरदार, जो कुछ बताने की कोशिश की, मुझे पहले ही मालूम है कि क्या कहना है, समझे? माँ जी मैं तो रंगीले की रू आ गई है यार। देखो कितनी बदीद है, बाघों में पड़े जो ये देखो, इस चिराग में से जिन निकला है जो मेरा गुलाम है। अरे बेगम, हमारे होते हुए किसी गुलाम की जरूरत है आपको? वो ये जो गुलाम है ना, ये मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, जैसे जैसे मैंने कहना है ना वैसे वैसे इसने करना है। अरे हम भी तो वही करते हैं जो आप कहती हैं। तुम जिन हो? नहीं ना, मैं जिन बुलाती हूँ। अभी देखो मुस्तकीम, क्या हुक्म है मेरी माल कर। अरे भाई, ये तो सचमुच नमूदार हो गया जिन, अब जिंदगी सुकून में आ जाएगी। देखो जिन मियां, आपने घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, कुछ ज्यादा बोझ आप पे नहीं डालेंगे। आपने बागीचों को पानी देना है, भाई हंडिया रोटी करेंगे, उसके बाद दिल चाहे तो कपड़े धो दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुमने मुझे घर का नौकर समझा हुआ है, मैं छोटे मोटे काम नहीं करता, जिन हूँ, बड़े बड़े काम करता हूँ। फिर ऐसा कीजिए, हमें एक दीवान लिख दीजिए जिसे हम अपने नाम से छपवा सकें। मैं जिन हूँ, कोई शायर नहीं हूँ, और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी मालकन का हुक्म मानता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद चिराग से निकला हूँ, दो चार लोगों को डराना है। मालकन, तब तक आप डिसाइड कर लें कि आपने कौन सी ख्वाहिशात पूरी करवानी है। आंखें बंद करें, मुझे गायब होना है। वो ये क्या कह रहा था जिन? बिल्कुल सही कह रहा था। क्या शेर और शायरी के चक्कर में डाल दिया उसे। चलो चलो जाओ, जाके घर के काम काज करो, इतने काम जमा हुए हुए, काम चोरी की भी अंतहा होती है वैसे मुस्तकीम। छेती 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 आते चलेंगे तो सारे काम मुक्के। भाई मैं इस चिराग को तो कहीं ठिकाने लगाऊं। ओहो, मैच देख रहा था लाइव, फैसला होने ही वाला था कि आपने ताली बजा दी। और ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, मैंने अपनी तीन ख्वाहिशें सोच ली हैं। हुक्म करें मालकन, क्या सोचा है आपने? ओ, मैं चाहती हूँ जिन भाई, मुमताज को बिल्ली बना दो। नहीं, वो तो नहीं बना सकता। अच्छा फिर भैंस बना दे, भैंस बन के वैसे भी ज्यादा सोनी लगेगी। अरे मैं भैंस बकरी बिल्ली कुछ भी नहीं बना सकता उनको। और तो फिर जिन तू किस बात का, तू कुछ कर ही नहीं सकता, जा दफा हो इधर से। मालकिन, आप शायद भूल रही हैं कि वो भी मेरी मालकन है, इसलिए आपका कोई ऐसा वैसा हुक्म उनके बारे में नहीं मान सकता। अच्छा ठीक है, फिर तू एक काम करो, बड्डे मुंह वाला है ना, उसका सब बना दे, और छोटी टी शर्ट वाले को तोता बना दे, और वो जो चलाकू ने खरीदी है ना उसको बिल्ली बना दे। हाँ ये हो सकता है। अभी लीजिए, ये छोटी शर्ट वाले को तोता, ये चलाक नखरीलू को बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। आ बड़े मुंह वाले का क्या करना है? सब 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 डन हो गया। हड्डी छेती? हाँ, अब मैं जिन हूँ, कोई मिस्त्री थोड़ी हूँ, पूरा दिन लगाऊंगा। 1 2 3 डन। अरे मोमो यार, मुझे नहीं मिल रहा ना, तुम जरा उधर अपनी वाली बेड साइड टेबल पे देखो। एक मिनट, गेम खत्म होने वाली है। अब बताएं। हाय हाय मसूद, क्या हो गया? हम तो आपको मजाक मजाक में उड़ने वाला सांप कहते थे, तो आप सीरियस ही ले गए। अब मैं लोगों से क्या कहूंगी कि मेरा शौहर सांप है। वैसे सांप बनने के बाद ना आपका मुंह बड़ा छोटा हो गया, हल्का हल्का लग रहा होगा ना आपको। एक काम तो करें, ऐसी रींगते रींगते चले जाएं, तो वो जो जोजी डैन है ना उसके डस के आ जाएं। शाक आप बोलते क्यों नहीं है? हाँ ये मेरा जिन किधर चला गया है? क्या होगा मैं मेरी मार कर। ये देख इश्वाक को गुरीला बना दिया है तूने। लेकिन ये तो सांप है। हाँ सांप जैसे गुरीला बने है ना, प्लीज तू उसे वापस इंसान बना दे, नहीं तो रात को मेरे पांव कौन दबाएगा? सॉरी मालकन, मैं इसको इंसान नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसको सांप मैंने ही बनाया है। ओए आस्तीन के कुत्ते। ना ना, आस्तीन का सांप होता है ना। सांप तो ये है ना, तो फिर तू कुत्ता हुआ। चल इन्हें इंसान बना जल्दी से, अभी। नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने इसे दूसरी मालकन के कहने पे सांप बनाया है, और तुम्हारी बहू को बिल्ली और बेटे को तोता बना दिया है, इसलिए जब तक वो वाली मालकन नहीं कहेगी मैं इसको इंसान नहीं बना सकता। तो फिर तू अभी और इसी वक्त जोजी के मिये को ना तोता बना दे, ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरी मालकन।
इट्स डन। शाबाश, अब जा जाके जल्दी से ना मेरे मुस्तकीम के लिए 1.5 किलो दूध दे ले, कब से भूखे पड़े। ओके, अब आप आंखें बंद करें, मैं लाइव हो जाऊंगा। हाँ हाँ। ये क्या हो गया, मेरे मुस्तकीम तोते बन गए। क्या होगा मैं मेरी मालकिन, ओए और मेरे मुस्तकीम तोता बन गया, देख तोता। अरे वाह, देखे तोता बन के कितने क्यूट लग रहे हैं, अच्छा तोता बनाया है ना मैंने। तूने इन्हें तोता क्यों बनाया है, अब घर के काम काज कौन करेगा। मेरी गलती नहीं है, आपने उस मालकिन के घर वालों को जानवर बनाया था, उन्होंने आपके घर वाले को जानवर बना दिया। हाय रब्बा, मैं क्या करूंगी इनका। आजाद कर देना, देखे अकेले बैठे हुए कितने मासूम से लग रहे हैं। आजाद क्यों करूं, मैं तो ये सोच रही हूं उस मोमो की बच्ची से बदला कैसे लूं मैं। अपने हाथों से उनकी जान ले लें, इस तरह मेरी एक मालकिन कम हो जाएगी। और मैंने नहीं कोई कत्ल शतल करना, हाँ मुझे अपने मियां वापस चाहिए। ओ भाई जिन, तू नहीं कुछ कर सकता। नहीं नहीं नहीं, जब तक वो वाली मालकिन मुझसे नहीं कहती, मैं इनको इंसान नहीं बना सकता। अच्छा, इसका मतलब है उसी अनक वाले जिन से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। वो तो करनी पड़ेगी। हाँ, करती हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं रुकूं या गायब हो जाऊं। गायब हो जा, तेरा की काम में हूं। ओके, देन क्लोज योर आईज। हैं, हां, मुस्तकीम, मुस्तकीम। तूने मुस्तकीम को कुछ बनवाना था तो कछुआ, खरगोश, मच्छी कुछ भी बनवा देती, तोता क्यों बनवाया, टै टै करके मेरा दिमाग खा गया। खुदा दा वास्ता ही, इसे फिर से इंसान बनवा दे। ना तूने जो मेरे रमीज को सांप बनवाया है तो उसका क्या बच्चू। ओए कौन रमीज, मैंने तो महमूद साहब को सांप बनवाया था। कौन महमूद। वो तेरा शौहर बीबी, और कौन। मेरे शौहर मुस्तकीम है। ओए मुस्तकीम तेरे नहीं, मेरे शौहर है जिसको तूने तोता बनवा दिया, ये देख। ओए कितना प्यारा तोता है मासूम सा, और तूने मेरे मियां को अजदहा बनवा दिया। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं निगल ही ना ले, और वो जमीला, वो मीसनी बिल्ली बनी हुई है, सारे घरों में ना कूद कूद के तो पतीलियों में से दूध पीती है वो। और जमील तोता बन के ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ता फिर रहा है। शुक्र कर तेरा मियाँ जेल में है। ओ जेल नहीं है मेरी बहन, पिंजरा है, पिंजरा। ओए मेरी गाल सुन, हम एक काम करते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें ना वापस ले लेते हैं। हाँ ये ठीक। चल जाओ कमरे मेरी माल कर। ओए जिन भाई, एक काम करते तू ना, मैं तुझे हुक्म देती हूँ के महमूद साहब नबील ते खूबसूरत को वापस इंसान बना दे। हाँ, और इसके वाले को भी ना वापस इंसान बना दे प्लीज। अभी ले, ये वापस, ये वापस, ये वापस, ये वापस, ये ले। अरे जिन भाई, अगर हमें तोता बनाया था तो पिंजरे में तो कैद ना करते, हम किसी खूबसूरत मैना के साथ टाए टाए तो करते। शुक्र कर मुस्तकीम, तेरी गिच्ची नहीं मरोड़ दी मैंने। मैं करते जिन भाई, मेरा अगला हुक्म सुन ले। मैं चाहती हूँ कि महमूद साहब जो है ना वो गूंगे हो जाए, और वो जो निक्की टी शर्ट वाला नबील है वो बहरा हो जाए, और इसकी जो बहू रानी है ना मीसनी, उसको अन्ना कर दे। ओए जो ऐसी गाल है ना, तो फिर इसके मुस्तकीम को भी अन्ना कर। जो हुक्म मेरी मालकिनो, ये ले। अरे भाई बेगम, बेगम हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काम डन 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 हो गया। अरे भाई कहाँ चले गए सब, अखियां वाले हो। ओए ओए ओए, देख के शुभाना आदमी तो नहीं हो गई कहीं। हो गई हूँ ना माँ जी, थैंक्स टू यू। कुछ ढंग का नहीं मांग सकते थे आप लोग जिनसे। ये कौन से इलाके की लैंग्वेज है। कोई लैंग्वेज नहीं है माँ जी, मुझे लगता है महमूद साहब गूंगे हो गए हैं, आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। ओ यार आप लोग मुंह में क्यों बुड़बुड़ा रहे हो यार, ऊंची आवाज में बात करो ना, मुझे भी सुनाई दे। Shut up Nabeel, I love you too Jano. ओए किधर मर गया ये जिन। हाय हाय, क्या हो गया मुस्तकीम, देख के नहीं चल सकते, इधर उधर पटक रहे हो। अरे बेगम क्या बताएं, इस कदर अंधेरा है, इस कदर अंधेरा है, उजाले कहाँ है डॉक्टर, उजाले कहाँ है। भाई यकीन मानिए बेगम,
हमें तो इतना डर उस वक्त भी नहीं लगता जब हम आपको बगैर मेकअप के देख लेते हैं। आज बहुत डर लग रहा हमें। मुस्तकीम चुप करो, जाओ जाके खाना पकाओ। अरे बेगम कैसी बातें कर रही हैं? हम खाना कैसे बनाएंगे? अगर कहीं नमक की जगह जहर डाल के ले आए तो आपको खाना पड़ेगा, बल्कि हमारी शदीद ख्वाहिश होगी कि आप खाएं। अब तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी आपको हमारी ही खिदमत करनी पड़ेगी। ना बाबा ना, मैं क्यों करूँगी भला खिदमत? मैंने तो मस्जिद के आगे बैठा देना, तुम्हें कम अज कम चार पैसे ही आएंगे कार में। बस तो फिर ठीक है, हम भी चिल्ला चिल्ला कर दुनिया वालों से कहेंगे कि हमारी बेगम ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। अरे सोच लीजिए जोजी बेगम, एक अंधे की बद्दुआ लेकर क्या करेंगे आप? आप किसी तरह अपने जिन से कहकर हमारी रोशनियां वापस दिलवा दीजिए, हमारी आंखों के उजाले वापस दिला दीजिए। अच्छा करती हूँ कुछ। अरे भाई बेगम, ये मच्छर कौन मार रहा है? भाई मच्छर मार रही है या महमूद साहब करीब से गुजरे हैं तो आपने उनके मुंह पे चपत लगा दी है? अरे हाय, कितने मार गए। ओए उठ। आए जिन के बच्चे, मेरे घर वालों को अंधा बहरा और गूंगा करके तू आप सुता भी है? उठ। इधर ना सो तू और किधर सो? मेरा चिराग तो तुम दोनों ने छुपा दिया। लाओ मेरा चिराग, वापस करो, मैं जाऊं। ओए पहले हमारी ख्वाहिश तो पूरी कर, चल हमारे घर वालों को इंसान बना दे फिर से। हाँ जल्दी से बना दे, फिर हम और भी ख्वाहिशें तुझे बताएंगे। ओ मैडम, अब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ओए ओए पुल मत, हम तुम्हारी मालकन हैं, तुझे हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। अब कोई मालकन वालकन नहीं हो, तुम दोनों की तीन तीन ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। पुत्र वापस क्यों जा रहे हैं? तेरा अपना घर तो है। अब पुत्र पुत्र नहीं करो, सुबह से कुछ खाने पीने के लिए तो दिया नहीं, एक सूखा पापा तक नहीं दिया। ये तो मेरी भलाई जानो कि मैं तुम दोनों को नहीं खा गया। चल मेरा वीर, आजा मेरा पुत्र, तुझे ना मैं अपने हाथों से बलों वाले परौंठे बना के खिलाऊंगी, चला अंदर। बंद करो ये चापलूसियां, मैं 260 साल का हूँ, तुम दोनों तो मेरे सामने बच्ची। आओ लाओ वापस करो मेरे चिराग में जाओ। ओए हम चिराग ही तुझे वापस नहीं करेंगे, तो तू जाएगा कैसे? हमने तुझे जाने नहीं देना। माँ जी ने बताया कि शायद हम सब हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। ओ जानू मुंह में क्या बुड़बुड़ा रही हो यार, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप दोनों चुप रहे प्लीज। जानू ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अच्छी बात है, तुम्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया। अब पापा जी से कह के ना जायदाद मेरे नाम लगवाओ यार। Shut up Nabeel. I love you too, जानू, I love you too. भाई हमारा ख्याल है, हमें खुद जाकर जिन भाई से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें हमारी हालत पर रहम आ जाए। हमें हर कीमत पर अपनी आंखों की रोशनी चाहिए, अपनी आंखों की रोशनी चाहिए। महमूद साहब जरा खुल के बोलिए, हम समझ नहीं पा रहे। महमूद साहब आप हमें लॉन तक ले जाएंगे प्लीज? ओ यार कहाँ जा रहे हो भाई, मुझे भी तो बताओ ना। ओ जानू ठहरो, मैं गिर नहीं जा रहा जानू, मुझे हाथ दो। कुत्ता कुत्ता, आ हो ये तो तुम लोग हो। और सुनाओ कैसी गुजर रही है जिंदगी? मैं तो कहता हूँ जहर खा के मर जाओ तुम सब। जिन भाई आप हमें ठीक कर सकते हैं? मैं यहाँ हूँ। देखो प्लीज हम पर रहम करो। रहम रहम खाने से पेट नहीं भरता, जब से चिराग से निकला हूँ ये पत्ते खा रहा हूँ, अब तो दिल चाह रहा है कि तुम चारों को खा जाओ। जानू ये मनहूस जिन क्या कह रहा है, मुझे भी तो बताओ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शट अप नबील। मेरा ख्याल है जानू, तुमने मुझे शट अप कहा है। जिन भाई हमें फिर से ठीक कर दो ना, अब देखो गूंगे बहरे अंधे बनकर किस तरह बुलबुला चल सकता है, आखिर कितनी सिचुएशंस बना लेंगे हम लोग। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग सिर्फ तब ठीक हो सकते हो जब मैं यहाँ से चला जाऊँ। इनके कहने का मकसद ये है कि आप निकल जाइए यहाँ से फौरन। अभी ऐसे नहीं जा सकता, मेरा चिराग इसकी बीवी के पास है, तुम ऐसा करो मुझे चिराग ला के दो, मैं चला जाऊंगा। आप खुद अपना चिराग जाके चुरा लेना। अरे वाह मेरे भी कुछ असूल हैं, मैं जिन हूँ चोर तो नहीं हूँ, चिराग तुम ला के दोगे तो मैं जाऊंगा। ठीक है महमूद साहब, हमें जोजी बेगम वाले कमरे में ले चलिए, हम चिराग ढूंढते हैं। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं है बबल।
चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए जा। आवाज नहीं आ रही। मुझे पता है मैंने ही बहरा बनाया है तुम्हें। कुत्ता कुत्ता, अरे फिर तुम लोग हो। देखिए हम चराग ले आए हैं, अब हमें फिर से ठीक कर दीजिए ना प्लीज। अरे वाह, मेरा चराग आ गया, लाओ लाओ मुझे दो मुझे दो। अरे नहीं नहीं, हमें पहले जैसा कर दो, अब फिर देंगे चराग। सीधी तरह मेरे कान ठीक कर दे जिन के बच्चे, वरना तू जानता नहीं है मेरा सौतेला बाप जिनों का सरदार है सरदार। देखो मुझे मेरा चिराग दे दो, मेरे जाते ही मेरा सारा जादू खत्म हो जाएगा और तुम सब ठीक हो जाओगे। लाओ दे दो अरे भाई दे दीजिए चिराग दे दीजिए। अरे अरे मैं बोल सकता हूँ, मुझे सुनाई दे रहे, मुझे सुनाई दे रहे। हाय हाय, ये जिन मनुष्य बारा कहाँ मर गया? मेरा तो तालियां मार मार के हाथ सूज गए, पता नहीं किधर गवाच गया ये। चला गया जिन वापस माजी। ना कैसे चला गया, उसका लालटेन तो हमारे पास। जनाब वो हमने चुरा कर जिन को वापस कर दिया ताकि हम ठीक हो जाएं। वो तुमने वो चिराग उसे वापस कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बगैर? मालकन तो मैं थी उसकी। ओ बस कर दे यार आप लोग, मालकन मालकन के चक्कर में आप लोगों ने हमारी जिंदगी साफ कर दी है। मेरी तो जुबान ही टेढ़ी हो गई थी भाई, बा बा जा जा बा बा करते करते। ओए तेरी वजह से वो जिन चला गया। ओए तुझे क्यों फिक्र हो रही है इतनी, तू तो खुद चुड़ैल है। अच्छा जे मैं चुड़ैल है तो डैन है। जे मैं डैन है ना बच्चों, तो तू नागन है। नागन यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते।